इस रिकॉर्डिंग के अंदर हम लोग 12th क्लास का कंप्यूटर का पेपर जो है वो डिस्कस करेंगे, मॉडल पेपर। यहाँ पर लिखा हुआ भी है इंटर पार्ट टू एनुअल 2024। तो ये एक मॉडल पेपर बोर्ड की तरह से दिया गया है। ये आपको जो है मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ कि जैसे हमारे बुक के दो हिस्से हैं, MS Excel और C लैंग्वेज, या कुछ जो है बोर्ड विजुअल बेसिक भी पढ़ाते हैं, तो इस मॉडल पेपर के अंदर विजुअल बेसिक भी बताई गई है सी की जगह पर, और यहाँ पर जो सी लैंग्वेज पढ़ते हैं वो भी बताई गई है। तो मैं इसको डिटेल से अभी डिस्कस करूँगा। MCQs और ये शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस सब चीज़ें डिस्कस करूँगा। सबसे पहले आपको बता दूँ कि 15 मार्क्स के MCQs होते हैं, जिनमें से 6 मार्क्स MS Excel से होते हैं और बाकी जो 9 मार्क्स होते हैं वो सी लैंग्वेज से होते हैं। अगर आप VB पढ़ते हैं तो VB में से होते हैं। हाँ, जो सी पढ़ रहे हैं वो आगे जाके VB लैंग्वेज पढ़ लेंगे, जो VB पढ़ रहे हैं उनको सी पढ़ने की इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो वैसे भी ये सी लैंग्वेज आपको पढ़ा दी जाएगी, या C++ या C#, आगे आप लोग पढ़ लेंगे। तो ये आप लोगों को समझ आ गई होगी। शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ अगर हम लोग आएँ तो शॉर्ट क्वेश्चन, वैसे ये जनरल बता रहा हूँ, यहाँ से भी हम लोग डिस्कस करते हैं अभी। सबसे पहला जो है क्वेश्चन 2 होता है MS Excel से, और ये जो है 6 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने पड़ते हैं। टोटल ये जो है 3 पोर्शन जो है शॉर्ट क्वेश्चन के अटैम्प्ट करने पड़ते हैं, जो कि 12 + 12 + 12 36 मार्क्स से होते हैं। 2 पोर्शन सी लैंग्वेज या VB आप पढ़ते हैं तो वहाँ से होता है, और 1 पोर्शन MS Excel से होता है। इसी तरह से लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं हमारे पास 24 मार्क्स के होते हैं, 8 + 8 + 8। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखा दूँ इस चीज़ को, तो ये जो है इस तरह से जो क्वेश्चन दिए जाते हैं लैंग्वेज क्या, MS Excel से 2 1 करना पड़ता है, और सी लैंग्वेज से 2 तो आपने 1 करना पड़ता है। 2-3 दिए जाते हैं और आपने 2 करने पड़ते हैं। आइए इनको डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। MCQs से स्टार्ट करूँगा मैं, यानी कि इस तरह से आप 15 मार्क्स के MCQs, 36 मार्क्स के क्वेश्चन और 24 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चंस, तो इस तरह से आपके 75 मार्क्स कंप्लीट होते हैं। ये पहले 6 MCQs जो हैं डेटाबेस से दिए गए हैं, MS Excel से दिए गए हैं, और फिर उसके बाद नेक्स्ट 9 MCQs सी लैंग्वेज से दिए गए हैं। ये चूँकि मॉडल पेपर है, तो इसमें उसकी रिप्लेस में MCQs दिए गए हैं VB वालों के लिए, यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं। आगे है MS Excel। MS Excel में से ये क्वेश्चन है हमारे पास, 9 में से 6 अटेम्प्ट करने हैं, 12 मार्क्स का एक पोर्शन है ये। उसके बाद सी लैंग्वेज है, उसके उसका ये पोर्शन है, उसमें से पहला पोर्शन है सी लैंग्वेज का, तो ये क्वेश्चन दिए गए हैं 9 में से आपने 6 अटेम्प्ट करने हैं, 12 मार्क का ये भी पोर्शन है। इसी तरह से ये जो है क्वेश्चन नंबर 3, इस 3 की रिप्लेस में विजुअल बेसिक वालों के लिए उसने मॉडल पेपर में ये भी साथ दे दिया। ऐसे आप जो पढ़ेंगे, जैसे सरगोधा बोर्ड या लाहौर बोर्ड के अंदर सी लैंग्वेज पढ़ाई जाती है, तो यहाँ पर आपको सिर्फ सी ही दी जाएगी, ये विजुअल बेसिक आपको नहीं दी जाएगी। आगे क्वेश्चन 4 है, तो ये क्वेश्चन 4 में भी उन्होंने 9 क्वेश्चन दिए हैं सी लैंग्वेज के, तो यहाँ पर आपको 6 अटैम्प्ट करने हैं, और इसी तरह से उसकी रिप्लेस में क्वेश्चन 4 है। ये भी ऊपर वाला भी क्वेश्चन 4 है, तो ये इसकी रिप्लेस में ये और उसने लिखा हुआ है विजुअल बेसिक का, ये भी क्वेश्चन 9 क्वेश्चंस होंगे इसमें से, अगर आप अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर आपने ये लैंग्वेज पढ़ी है। अब लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। सेक्शन 2 है MS Excel का, इसमें से 2 क्वेश्चन दिए गए हैं और 1 जो है आपको बताया आपने अटेम्प्ट करना है, और यहाँ पर सेक्शन 3 है सी लैंग्वेज का, आपने आपको 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, आपने 2 अटेम्प्ट करने हैं, तो इस तरह से आपके मार्क्स जो है वो कम्प्लीट हो जाएंगे 75। तो ये है मॉडल पेपर जो कि हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। आने वाले नेक्स्ट रिकॉर्डिंग के अंदर हम लोग स्कीम ऑफ स्टडीज डिस्कस करेंगे कि कितने चैप्टर से कितने MCQs, कितने शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, और लॉन्ग क्वेश्चन किस तरह से चैप्टर्स में से आते हैं। थैंक्स अ लॉट।